बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इशराहली सदरी वयस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दा तुम लिसानी यफ़क़हु क़ौली सदक़ अल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे 10th अगस्त 2020 एंड डे इज़ मंडे। लेक्चर नंबर है हमारा 23, क्लास 3, सब्जेक्ट मैथ्स। डायरी अपनी नोट करें, एक्सरसाइज 2C ही है हमारी। उसके क्वेश्चन है 1, 2, 3 एंड 10, 11 ऑन बुक। ये हमने बुक पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर है इसका 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक को हमने फिल करना है, तो जो ए वाला है उसको पहले पढ़ते हैं। 8 × 0, तो हमने ये पिछले लेक्चर्स में सीखा है कि 0 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आंसर है उसकी प्रोडक्ट 0 ही आती है। 8 × 0 = 0। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और इधर आगे ब्लैंक है, लेकिन ये इक्वल का साइन है और आगे मल्टीप्लाई बाय 2 है, फिर इक्वल का साइन है। इधर हमने प्रोडक्ट लिखनी है, जो इन दोनों का आंसर आएगा वही इन दोनों का आना चाहिए, वो इधर हम लिखेंगे। आंसर दोनों का सेम आना चाहिए, वो हम इधर लिखेंगे। 2 × 3 = 6। अब इसका भी 6, हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, ये 3 से करेंगे। 3 × 2 = 6। अब 18 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 18 × 5 = 90। अब ये ब्लैंक है, मल्टीप्लाई बाय 4 और आंसर है हमारा 40। तो हमने 4 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 40 आया, 4 को हमने 1 से किया तो 4 आ गया और 0 एक साथ है तो ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। 10 × 4 = 40। देखें 4 × 1 = 4 और ये 0 है इधर आ गया तो 40 बन गया। ब्लैंक है, मल्टीप्लाई बाय 15 = 0। तो 15 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, हमने 0 से ही किया क्योंकि 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें आंसर जो है वो 0 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है हमने देखनी है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 10, अगर कोई नंबर उसको मल्टीप्लाई करें 10 से, द नंबर इटसेल्फ शिफ्ट्स 1 कॉलम टू द लेफ्ट। तो जो नंबर है वो खुद शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट कॉलम पे। तो ये अभी हमने इधर किया है नंबर, ये वाला 4 जो है वो इधर लेफ्ट कॉलम पे शिफ्ट हो गया और 0 साथ आ गया, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। बी वाला 30 × 10, उसकी प्रोडक्ट है 3010। तो ये फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। अब ये देखें, 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 1 = 3, तो ये जो 0 इसका है वो भी साथ आएगा। सॉरी, 30 को 1 के साथ किया, 31 = 30। अब ये 10 का 0 एक आना था, 1 भी आ गया, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सी वाली है 12 × 200, 12 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को हम पहले 200 में से 2 को सिर्फ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 2 = 24 और ये जो 20 हैं वो इधर वैसे ही ले आएंगे, तो ये ट्रू है। 4, 3 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आए वही इसका आना चाहिए। तो इन दोनों को किया मैंने तो इनका आंसर सेम आया, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। द टर्म प्रोडक्ट इन द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ 2 or more नंबर्स। जो टर्म है प्रोडक्ट, वो एडिशन के जब 2 या more नंबर्स होते हैं उनको ऐड करने से ही आता है, ये रॉन्ग है क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फिर भी जो आंसर होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शंस में से हमने करेक्ट आंसर जो है वो चूज़ करना है। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। अब 24 को हमने 0 से मल्टीप्लाई करना है, 24 × 0 = 0, इधर हम टिक करेंगे। 420 × 100 = 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 के 2 0 तो आ जाएंगे 7, और ये जो है नंबर ये एज इट इज़ 7 आ जाएगा, 420 और ये इसके 2 0 आ गए, इधर हम टिक करेंगे। 58 × 30 = 30 में से जो 3 है उसको हम पहले 58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 174, तो 30 का ये जो 0 है वो इधर आ जाएगा, इधर टिक कर दें। डी वाला है, 10 × blank है, आगे उन्होंने प्रोडक्ट दी हुई है। 10 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, किससे करेंगे तो ये आंसर आएगा, तो अब ये 10 तो 10 का है तो बाकी ये वाला नंबर बचा, इससे हम 870 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली प्रोडक्ट आएगी, इधर टिक। 63 × 5 = 63 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
315 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द प्रोडक्ट, हमने सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड करनी है। 8 को मल्टीप्लाई करना है 200 से, 20 एज इट इज़ इधर आ जाएंगे, हम 8 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2s are 16 और 200 के 0 ऐसे ही हमने इधर लिख लिए, ये इसकी प्रोडक्ट आ गई। 12 इज़ मल्टीप्लाई बाय 500, 500 के 2 0 को भी हम छोड़ के सिर्फ 5 जो है उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5s are 60 और ये जो 500 के 2 0 हैं वो इधर आ जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द फॉलोइंग, इनको भी कंप्लीट करना है हमने। 500 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, तो 10 का जो 1 है वो पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट से, 500 1s are 500 और ये 0 इधर हम ले आएंगे। 700 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7s are 63 और इसके 2 0 इधर आ गए साथ। अब ये ई वाला देखते हैं, 400 को मल्टीप्लाई करना है 0, तो आपको पता है 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होता है, 0। ये थे हमारे क्वेश्चन, इनको आपने बुक पे ही सॉल्व करना है। हैव अ नाइस डे, अल्लाह।